तो देखो, कल हम लोग क्या किए थे, नॉर्मल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कैसे हम लोग एक्सेल को एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और क्या किए थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इफ एंड और नॉट, ये सब का आउटपुट क्या होता है, ट्रू या फॉल्स में आते हैं. ठीक है, इफ का आउटपुट हम लोग चेंज कर सकते हैं कि वैल्यू इफ ट्रू में मेरे को ये चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स में मेरे को दूसरा आउटपुट चाहिए. ठीक है, इफ के साथ एंड और यूज़ करना सीखे थे, इफ के साथ इफ भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे, और बेसिक फंक्शंस है वो सीखते हैं आज, एकदम बेसिक. ये सब काम आते रहेगा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, पर ये सारा चीज़ पता होना चाहिए. ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है, काउंट फंक्शन. काउंट से क्या समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करेगा. जितना हम लोग सेल, एक सेल, ये जैसे मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रखा है, ये एक सेल है पर्टिकुलर. व्हेन आई सिलेक्ट द होल सेल रेंज, इसको हम लोग सेल रेंज बोलते हैं, एक से ज़्यादा जब सेल सेलेक्ट करते हैं इसको सेल रेंज बोलते हैं. तो यहाँ पे जब तुम लोग नेम बॉक्स में देखोगे तो क्या आ रहा है, G4. जहाँ से भी सिलेक्ट करोगे, जहाँ से भी सिलेक्ट करोगे, वो फर्स्ट सेल का नेम नेम बॉक्स में आएगा. ठीक है, तो बहुत ही बेसिक फंक्शन है काउंट फंक्शन. काउंट ये तुम लोग ने बनाया था ना टेबल लास्ट क्लास, चलो इसी को यूज़ करना. काउंट ऑफ ये पूरा मैंने सिलेक्ट किया, आउटपुट क्या आना चाहिए, कितना रोज है, 6 रोज है, 6 आया आउटपुट. तो दिस काउंट्स द नंबर ऑफ रोज. यहाँ पे आई हैव अ वेरी स्मॉल टेबल, तो ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे ही काउंट कर लेते, पर जब बहुत बड़ा डेटा होता है तब ऑब्वियसली काउंट फंक्शन काम आता है. ठीक है, मैंने किसको काउंट किया है, अपने न्यूमेरिक डेटा को. तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट डेटा को काउंट करके देखते हैं क्या होता है. दिस इज़ माई टेक्स्ट डेटा, इसको काउंट करके देखते हैं क्या होता है. 0 आ रहे हैं. 0 क्यों आ रहे हैं, बिकॉज इसमें काउंट फंक्शन में, काउंट फंक्शन का क्या डिसएडवांटेज है कि इसमें टेक्स्ट टाइप डेटा काउंट नहीं होता, ओनली द न्यूमेरिकल टाइप डेटा इज, यू कैन काउंट द ओनली न्यूमेरिकल टाइप डेटा. ठीक है, टेक्स्ट टाइप डेटा काउंट नहीं होता है. एक और चीज़ देखो, इफ़ आई सिलेक्ट द ब्लैंक सेल्स, तब क्या आउटपुट आना चाहिए, सेम 6. इसमें मैंने क्या किया, इस वाले में मैंने पूरा ये वाला रेंज सिलेक्ट किया है, विच इज़ इंक्लूडिंग द ब्लैंक सेल्स ऑल्सो, पर ब्लैंक सेल्स काउंट नहीं हुए. तो अगर डेटा के बीच में भी कोई ब्लैंक सेल है तो वो ब्लैंक सेल काउंट नहीं होगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इसको एक बार के लिए ब्लैंक कर देते हैं, तो देखो अभी क्या हो गया, ये 5 हो गया, हुआ ना 5, मैंने इस पूरे रेंज को सिलेक्ट किया था तो ये 5 हो गया. तो अगर डेटा के बीच में भी कोई ब्लैंक सेल है तो वो काउंट नहीं होता है, एंड काउंट फंक्शन से टेक्स्ट टाइप डेटा भी काउंट नहीं होता है. तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी यूज़ काउंट ए फंक्शन. काउंट ए फंक्शन देखो क्या करेगा, काउंट ए, इससे हम लोग टेक्स्ट टाइप डेटा आराम से काउंट कर सकते हैं. देख लो, टेक्स्ट टाइप डेटा काउंट हो सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप डेटा भी काउंट हो सकता है. जब तुम लोग यहाँ पे टाइप करोगे तो डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिखा हुआ आता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, सो इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन्स नंबर्स. काउंट ए में जाओ, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब कि टेक्स्ट को भी काउंट करेगा, न्यूमेरिक को भी काउंट करेगा, बट ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करेगा, और काउंट फंक्शन में ओनली न्यूमेरिक विच आर नॉट एम्प्टी. क्लियर हुआ, एकदम बेसिक. यहाँ तक सब लोग ने किया, ये 0, ये मैंने टेक्स्ट को किया ना काउंट, तो इसीलिए 0 आया. ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक. काउंट काउंट ए, काउंट इफ देखो, काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ वही पर्टिकुलर सेल्स काउंट होंगे जिसमें, इफ़ आई मेंशन अ पर्टिकुलर कंडीशन या लॉजिकल स्टेटमेंट, अगर वो ट्रू है तो ही वो सेल्स काउंट होंगे. देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है. काउंट इफ क्या लिखा हुआ आ रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट्स द गिवन कंडीशन. यहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही वो सेल काउंट होगा. आ रहे समझ में, एक एग्जाम्पल लेके करते हैं. तो पहला क्या आ रहा है,
ये सब समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई फंक्शन का नाम बता दे तो उसे कैसे हम लोग खुद से करें, वो रीड करना सीखो, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे CM1 में ज़्यादा फंक्शंस है नहीं, कुछ कुछ बेसिक फंक्शंस है, इफ फंक्शन सीख लिया, एक दो और, ये सब तो बहुत ही ईजी फंक्शंस है, एक दो और फंक्शन सीखेंगे, बस उसी फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए। ज़्यादा फंक्शंस है नहीं CM1 में, है ही नहीं, इनफैक्ट बहुत कम है, तो सबको ही कैसे अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए बस। ठीक है, बेसिकली इट इज़ टेस्टिंग योर थ्योरेटिकल नॉलेज और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला क्या है, रेंज। सपोज मेरे को उन्हीं लोगों का इंग्लिश का मार्क, मेरे को देखना है इंग्लिश में कितने लोगों का ग्रेटर दैन 80 आए, दिस इज़ माई क्राइटेरिया। क्या है, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश में मार्क्स इज ग्रेटर दैन 80। तो क्या करेंगे, रेंज में किसको सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया किस पे लग रहा है, इंग्लिश के मार्क्स पे लग रहा है, उसी को काउंट करना है, तो ये वाला रेंज सेलेक्ट किया, इंग्लिश के मार्क्स पे क्राइटेरिया लग रहा है ना, इट शुड बी ग्रेटर दैन 80, तो इसको सिलेक्ट किया, ये मेरा रेंज सिलेक्ट हो गया, कॉमा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी ग्रेटर दैन 80। अब क्राइटेरिया लिखने का तरीका देखो, पहले देख लो फिर करना, कोटेशंस में लिखना पड़ेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, कोटेशंस क्लोज्ड। ये हम कोटेशन में क्यों लिख रहे हैं, जब कल हम लोग इफ फंक्शन किए थे तो हम लोग सेल सिलेक्ट करके ग्रेटर दैन 80 कर रहे थे, सिंपल, वहाँ पे कोई कोटेशन मार्क नहीं आ रहा था। पर जब टेक्स्ट वाला कर रहे थे कि इट शुड बी इक्वल टू फीमेल, तो फीमेल में कोटेशन डाल रहे थे, वो हम लोग कर रहे थे, पर यहाँ पे हम लोग ये कोटेशन में पूरा क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग अ सेल रेंज, पूरा सेल रेंज सिलेक्ट करके ये जो मेरा क्राइटेरिया है इसको स्पेसिफाई करें अलग से, कि हर एक रेंज का हर एक सेल अगर ये वाला क्राइटेरिया मैच करता है तो ही उस सेल को काउंट करना है, वरना नहीं। इसीलिए हमेशा जो क्राइटेरिया होगा वो कोटेशंस में जाएगा। ठीक है, कल हम लोग क्यों नहीं कर रहे थे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, एक बार देख लो कल क्यों नहीं कर रहे थे, बिकॉज कल हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मली एंड दिस शुड बी ग्रेटर दैन 80, तो अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, ऐसे कर रहे थे हम लोग कल, ऐसे कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेल रेंज सेलेक्ट करें एंड फिर अलग से क्राइटेरिया मेंशन करें, तो जब अलग से क्राइटेरिया मेंशन होता है तो कोटेशंस में होता है। ठीक है, तो ये सब सिले मिस्टेक्स अगर एग्जाम में करते हो, सपोज कोटेशन नहीं डाला तो एरर आएगा, अब एरर ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, वो आएगा ही नहीं समझ में अगर ये पता नहीं है ये चीज़, है ना, तो एरर भी इस तभी इंटरप्रेट कर पाओगे जब तुम लोग को कुछ पता है, तो ये चीज़ याद रखना कि कोटेशंस में होता है। अभी हम लोग तीन चार ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये समझ में आया, 80 के अबव किसका है, 1 एंड 2, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, 2। ठीक है, कर लो सब लोग, ट्राई करो, सबका हो गया, सबका आ रहा है, मैच हो रहा है। अब देखो काउंट इफ क्या था, एक कंडीशन जो जो सेटिस्फाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल्स काउंट हो रहे हैं। काउंट इफ्स क्या होंगे, एक से ज़्यादा कंडीशन, अगर मेरे मेरे को ऐसा कोई डेटा, मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम लोग ऑब्वियसली काउंट इफ्स यूज़ करेंगे, तब तो काउंट इफ, काउंट इफ में सिर्फ एक क्राइटेरिया डालने का ऑप्शन था। अब काउंट इफ्स में देखो, काउंट इफ्स यहाँ देखना कैसे मेंशन किया हुआ है, इसको अच्छे से समझेंगे, ध्यान दो एक बार यहाँ पे, फिर खुद से ट्राई करना। पहला क्या लिखा हुआ है, क्राइटेरिया रेंज 1, बिकॉज एक से ज़्यादा क्राइटेरियाज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसीलिए क्राइटेरिया रेंज 1, फिर उसका क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर उसका क्राइटेरिया, वैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को एक और कंडीशन डालना है कि मैथ्स में भी 80 से अबव होना चाहिए एंड इंग्लिश में भी 80 से अबव होना चाहिए, ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करना है। तो हम लोग क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या सिलेक्ट करेंगे, मैथ्स का मार्क्स सिलेक्ट कर लो या इंग्लिश का, जो भी। फिर क्राइटेरिया कैसे मेंशन करते हैं, कोटेशंस में, ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक बार ध्यान देना, फिर खुद से करना, ऐसे देख देख के मत करो, पहले देख लो पूरा चीज़ फिर खुद से करो। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, ये ब्रैकेट्स में है,
सो दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट. अगर सिर्फ ये लिख के भी ब्रैकेट क्लोज करके करेंगे तो जैसे काउंट इफ में एक क्राइटेरिया होता है वैसे यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया है, आंसर आ जाएगा. पर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया भी डालना है हमें तो हम कॉमा देके क्राइटेरिया रेंज टू सिलेक्ट करेंगे एंड फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 मेरा क्राइटेरिया. ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 ही आना चाहिए ना, 80 से अबव, दोनों में 80 से अबव चाहिए. ये एक एंड फंक्शन के जैसा हो गया. अगर दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे तभी वो सेल काउंट होगा. तो यहाँ पे एक एक ही सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है कोई बता सकता है? बिकॉज एक सेल ज़्यादा सेलेक्ट किया है. तो इसीलिए जो सेल रेंज है मेरा B4 to B9 एंड C4 to C10 किया हुआ है मैंने, तो जो दोनों क्राइटेरिया रेंज होगा दैट शुड बी इक्वल इन लेंथ. ये हमेशा याद रखना. ठीक है, वन एक है ना. हाँ तो मे बी डिफरेंट होगा कुछ तुम लोग का. क्या तुम लोग ने क्या लिखा था? ये वाला, ये 85 होना चाहिए क्या? तुम लोग 85 की हो. ठीक है 85 कर देते हैं, 2 हो गया. अपने आप चेंज हो जाएगा ये. बेसिकली क्या होता है ना एक्सेल में, जब एक फंक्शन, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन टाइप किया, एंटर किया, तो जो ये एंटर करते हैं ना, तो ये जो मिली सेकेंड्स में मेरा आंसर आता है, इस मिली सेकेंड्स में क्या होता है कि सारे जो फंक्शंस हैं ना वो वापस कैलकुलेट होते हैं एक्सेल में. वाई? बिकॉज अगर एक भी मैंने डेटा चेंज किया इधर और ये वाला मैथ्स का मैंने यहाँ पे भी कहीं पे सिलेक्ट किया था, तो बेसिकली क्या होता है, एक भी कहीं पे डेटा चेंज करने से उससे रिलेटेड और भी जो फंक्शंस है वो भी तो चेंज होंगे ना, उसका भी आउटपुट चेंज होगा. तो जब एक भी फंक्शन या कुछ भी टाइप करते हो तो सारा फंक्शंस वापस कैलकुलेट होते हैं इन दैट मिली सेकेंड. इतना फास्ट कैलकुलेशन होता है. ठीक है, हमें बता भी नहीं चलता. जब बहुत ह्यूज, तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बहुत ह्यूज सिमुलेशंस रन करते हैं तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेट होने में. लाइक नॉट दैट मच, बट पता चलेगा कि हाँ 10 सेकेंड्स लग रहे हैं. यहाँ पे तो एकदम मिली सेकेंड्स में हो गया. एंड जब एक फंक्शन लिखते हो तो सारा फंक्शंस वापस कैलकुलेट होते हैं, या फिर कुछ भी चेंज करते हो, कुछ भी कहीं पे करते हो तो सारा फंक्शंस वापस कैलकुलेट होते हैं. ये एकदम नॉर्मल था. तो काउंट इफ समझ में आया क्या कि क्राइटेरिया रेंज दोनों या तीनों जितना भी क्राइटेरियाज होगा सारा रेंज शुड बी इक्वल इन लेंथ. ठीक है, पहले क्राइटेरिया रेंज, उसका क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज, उसका क्राइटेरिया, सारा सेटिस्फाई होगा तभी सेल्स काउंट होगा. ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला? सम्स करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शंस मैक्स देख के क्या पता चल रहा है? मैक्सिमम पूरे रेंज का जो भी मैक्सिमम है वो आउटपुट आ जाएगा. देख लो, मैक्सिमम ऑफ सपोज मैथ्स का सिलेक्ट किया, देख लो एक बार, सब लोग देख लो फिर खुद से करना. ठीक है, आउटपुट क्या आ रहा है? 90. एक और चीज़ कर सकते हैं, ध्यान देना. यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स सिलेक्ट किया, कॉमा मैंने इंग्लिश का भी सिलेक्ट किया. मुझे जानना है कि हाईएस्ट मैथ्स इंग्लिश इंक्लूडेड हाईएस्ट मार्क्स कितना था? 90. ठीक है, इन दोनों में मिला के हाईएस्ट मार्क्स इज 90. ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग सेल रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर हो रहा है? जितना प्रैक्टिस करोगे घर पे ये सब चीज खुद से पता चलते जाएगा. पूरा ऐसे, हाँ पूरा सेल रेंज हो गया. तो अभी क्या होगा, एक और चीज दिखाना है तुम लोग को, देख लो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार सब लोग यहाँ ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं. अब सपोज मैंने मैक्सिमम फंक्शन लिखा पर मेरा जो डेटा है वो दूसरे शीट में, इस शीट में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सपोज दूसरे शीट में गए. ठीक है, ये मेरा जो डेटा था, इस डेटा में बर्थ रेट का हाईएस्ट मुझे चाहिए. तो तुम लोग यहाँ देखना, ये फॉर्मूला बार में क्या आया अपने आप? मैक्स फंक्शन आया, उसके अंदर कुछ दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी एंड ऑफसेट फंक्शन, एक्सक्लेमेशन मार्क. तो दिस इज़ वॉट,
दिस इज द शीट नेम, दिस इज द शीट नेम, ठीक है. तो शीट नेम आ गया, वाई, बिकॉज उसी शीट का हम लोग नहीं ले रहे सेल्स, दूसरे शीट का सेल्स ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, शीट नेम आ गया, ठीक है. अब क्या करना है इसको हमें, ये सिलेक्टेड है मेरा, रुक जाओ, ये मेरा सिलेक्टेड है, मुझे ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है. कॉलम पूरा सिलेक्ट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन. ये पूरा मेरा क्या हो गया, कॉलम सिलेक्ट हो गया. ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इन ऑफ शीट नेम, एंड फिर मेरा पूरा रेंज, फिर मेरा पूरा रेंज. अब क्या करना है तुम्हें, अब वापस से हम लोग उस शीट में नहीं जाएंगे, उस शीट में नहीं जाएंगे, सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा. क्योंकि क्या मिस्टेक सब लोग करते हैं, एक बार देख लो कि सब लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो भी पता होना चाहिए उन लोगों को. दूसरे शीट में गए, सेल्स सिलेक्ट किया, ठीक है, नॉर्मली जैसे अभी किए हम लोग, दूसरे शीट में गए, सेल्स सिलेक्ट किया, फिर उन लोग क्या करते हैं कि मेरा फंक्शन तो उधर है, तो उसी शीट में आते हैं, वापस उन लोग इसी शीट में आते हैं. तो इस शीट में वापस आएंगे तो देखो शीट नेम क्या हो गया, इसी शीट का आ गया. तो सेल्स कहाँ का सिलेक्ट हो गया, इस शीट का सिलेक्ट हो गया. समझ में आ रहे हैं? तो क्या करना है तुम लोग को, ये मिस्टेक प्लीज़ मत करना एग्ज़ाम में, या फिर क्लासेस में भी बहुत जन करते हैं मिस्टेक. नॉर्मली दूसरे शीट में जाओ, सिलेक्ट करो पूरा डेटा, ब्रैकेट क्लोज करो, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग फंक्शन नहीं दिख रहे, फंक्शन ऊपर दिख रहे हैं, एंड एंटर करो तो आउटपुट आ जाएगा. ट्राई करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई सब लोग यही करते हैं, दूसरे शीट में करें वापस आ जाते हैं तो कुछ और ही आ जाता है. ट्राई करो एक बार करने का. हाँ, सारे फंक्शन में, सारे फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सारे फंक्शन में सेल रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है, तो सारे फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है ये चीज़. आया क्या सबका, समझ में आ रहा है दूसरी शीट से कैसे करते हैं? सिंपली जाके सिलेक्ट करना है रेंज एंड एंटर करना है, वापस सेम शीट में नहीं आना है. क्लियर हुआ? मैक्सिमम फंक्शन सबका आया ना ऐसे दूसरी शीट से? अब मिनिमम करते हैं. आया तुम्हारा? आया, मिनिमम करो. सेम चीज़ जैसे मैक्सिमम है, मिनिमम आ जाएगा. सेल रेंज सेलेक्ट करो उस रेंज में जो भी मिनिमम है. अब ऑब्वियसली तुम लोग यहाँ देखना एक बार, टेक्स्ट वाला सिलेक्ट कर लोगे तो एरर तो आएगा ही, ज़ीरो, ठीक है. मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट एंड लोएस्ट. अब दूसरा है लार्ज फंक्शन. लार्ज, अब सपोज मुझे चाहिए सेकेंड हाईएस्ट क्या है, थर्ड हाईएस्ट क्या है, वो चाहिए, तो उसके लिए भी यूज़ लार्ज फंक्शन. कैसे यूज़ करते हैं देखना. लार्ज पहला क्या है, एरे. एरे मतलब सेल रेंज, ठीक है, एरे मतलब सेल रेंज दूसरा नाम है उसके लिए. सपोज मेरे को मैथ्स के मार्क्स में, मुझे मैथ्स के मार्क्स में सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो मैंने पहले तो अपना सेल रेंज मेरा एरे सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, के. के मतलब कौन सा मुझे हाईएस्ट चाहिए, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट, क्या चाहिए. तो सपोज मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो कॉमा टू लिखा, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा 89. सिंपल एकदम लार्ज फंक्शन. सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट कैसे निकालते, एकदम बेसिक. अभी से मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग जब आके मुझे बोले कि तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग प्लीज़ करो, क्योंकि खुद खुद करोगे ना, बिलीव मी, चाहे कुछ भी करो, एक्सप्लोर करो, तो तुम लोग का स्पीड इंक्रीज होगा, बिकॉज एग्जाम में स्पीड ही मैटर करेगा. ऐसा कितना ख़राब लगेगा सोचो, आते आ रहे मुझे पर मैं कर नहीं पा रही हूँ,
बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट. टाइम क्रंच बहुत होता है एक्सेल में, आर में, दोनों में, कोई भी प्रैक्टिकल पेपर में टाइम क्रंच बहुत होता है. बिकॉज 1 आवर 45 मिनट्स, उसमें तुम लोग का फर्स्ट एग्जाम है, उसमें तुम लोग को एक्सेल में करना है अपना वर्क. तो फाइल डाउनलोड होगा, वो उसी में आते हैं 1 आवर 45 मिनट्स में इंक्लूडेड होता है. तो फाइल डाउनलोड होगा, तुम लोग करोगे, फिर तुम लोग कर लिए, फिर एंड में 15 मिनट्स मिलता है अपलोड करने के लिए. बट स्टिल तुम लोग को उस टाइम में, तुम लोग ऐसे सोच के चलो तुम लोग के पास 1 आवर 30 मिनट्स है, 1 आवर 30 मिनट्स में 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं. 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं CM1 में, एंड वो छोटा छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है. तो इसीलिए जितना एक्सेल से जितना हैबिट होगा, स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेनिफिशियल है, वरना दिक्कत होगा. तो Day 1 से ट्राई एटलीस्ट हाफ एन आवर, बस ज़्यादा नहीं. एंड ये नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, ये हमेशा के लिए. बिकॉज एक्सेल तुम लोग कहीं भी जॉब के लिए जाओगे या कहीं भी जाओगे, एक्सेल हर जगह तुम लोग को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया लार्ज फंक्शन. सिमिलरली स्मॉल फंक्शन क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिटर्न्स द kth स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट. ठीक है, तो पहले तो एरे सेलेक्ट करेंगे. अब मुझे मैथ्स का सेकेंड लोएस्ट मार्क्स चाहिए, सेकेंड लोएस्ट चाहिए, तो स्मॉल फंक्शन एरे सेलेक्ट किया, comma 2, मतलब कि सेकेंड लोएस्ट. सेकेंड लोएस्ट क्या यहाँ पे 76. ठीक है, सेकेंड लोएस्ट. हाँ, सारे फंक्शन में मैंने बस वो एग्जाम्पल लिया कि मैक्स फंक्शन के लिए स्मॉल में भी कर सकते हैं कोई और शीट से. ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, ये मेरा जो पूरा डेटा सेट है, बर्थ रेट वाला, कॉमा. यहाँ पे एक बार ध्यान देना सब लोग, एक बार सब लोग ध्यान देना. दूसरे शीट में गए, मैंने सेल रेंज सिलेक्ट कर लिया अपना, कॉमा वापस उस शीट में नहीं जा रहे, कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. ऑल दो कॉमा देख के जा सकते थे दूसरे शीट में, बिकॉज अब वो चेंज नहीं होता वो चीज़, वो जो शीट नेम आ गया अब चेंज नहीं होता बिकॉज मैंने कॉमा दे दिया. बट देन प्रेफर करो कि मत जाना कॉमा 2. अगर तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो, अभी रीड करना आ गया, अभी रीड करना आ गया, यहाँ पे शीट नेम लिखा हुआ है और फिर सेल रेंज दिया है, तो अगर मे बी आंसर मैच नहीं हो रहा तो सिंपली फंक्शन देख लेना क्या गलत है, मे बी शीट नेम चेंज हो गया इसीलिए गलत है. ठीक है, क्लियर हो गया. एरर समझना ट्राई करेंगे हम लोग, कैसे हम लोग अपने एरर को समझें, ये समझ में आ गया. नेक्स्ट करें स्मॉल फंक्शन लार्ज फंक्शन. एवरेज देख के क्या पता चल रहा है, एवरेज ऑफ द सेल रेंज, एवरेज ऑफ द सेल रेंज. एक रेंज एक से ज़्यादा कैसे भी दूसरे शीट से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, अप टू यू. मेरे को मैथ्स के मार्क्स का चाहिए सपोज, मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों का क्या, मैंने तुम लोग सिर्फ मैथ्स का भी कर सकते हो, देख लो. आ गया सबका एवरेज, एवरेज आ गया 82.5. आ गया सबका एवरेज. एवरेज इफ वही सेम चीज़, वही सेल रेंज का एवरेज जो एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरा रेंज सेलेक्ट करते हैं, जो जो सेल्स वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको लेते हैं, फिर एंड में उसका एवरेज निकालते हैं. ठीक है, सिंपल एकदम. एवरेज इफ क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, फाइंड द एवरेज फॉर द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया. ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्पेसिफाइड सेल्स. पहला क्या है ये एक बार प्लीज समझो, फिर करना खुद से. देखो 3 आर्गुमेंट मेंशन किए हुए हैं, पहला इज रेंज, पहला इज रेंज, देन इज द क्राइटेरिया, देन इज द एवरेज रेंज, एंड ये क्या है ब्रैकेट्स में. तो बेसिकली क्या होता है, काउंट वॉज डिफरेंट थिंग. काउंट में क्या था, रेंज क्राइटेरिया, रेंज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया, ऐसे था. यहाँ पे 2 रेंज है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये वाला जो रेंज है दिस इज द क्राइटेरिया रेंज. ज़रूरी नहीं है कि क्राइटेरिया रेंज और मेरा रेंज जिसका एवरेज निकालना है वो सेम हो. कैसे, सपोज मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों का इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज चाहिए
जिनका एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, समझ में आया? उन्हीं लोगों का इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज चाहिए जिनका एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसका क्या मतलब हुआ? क्राइटेरिया रेंज क्या है बोलो? एज इज द क्राइटेरिया रेंज, इस पे क्राइटेरिया लग रहा है। एंड एवरेज रेंज कौन सा हुआ मेरा इंग्लिश के मार्क्स का? इसका मुझे चाहिए। ये अगर क्राइटेरिया रेंज और मेरा एवरेज रेंज अलग होता है तो हम लोग ये एवरेज रेंज में मेंशन अलग से करेंगे मेरे इंग्लिश के मार्क्स का रेंज, ठीक है? पर अगर सेम हुआ रेंज, सपोज मुझे इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट करना है उन्हीं लोगों का जिसका इंग्लिश में इज ग्रेटर देन 80, सपोज, तो क्या होगा? मेरा क्राइटेरिया रेंज भी यही है एंड मेरा एवरेज रेंज भी यही है। तो सिर्फ यहाँ पे अगर ये मेंशन कर देंगे, क्राइटेरिया रेंज में क्राइटेरिया मेंशन कर देंगे, तो वो अपने आप अज्यूम हो जाएगा कि जो एवरेज रेंज है वही मेरा क्राइटेरिया रेंज है। इसीलिए देखो ये ब्रैकेट में है एवरेज रेंज, दिस इज नॉट अ कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट। क्लियर हो रहा है? तो हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन करते हैं, एज जिनका ग्रेटर देन 18 है उनका मुझे इंग्लिश का एवरेज चाहिए। करो खुद से ट्राई। क्राइटेरिया हम लोग कोटेशंस में मेंशन करते हैं, एवरेज रेंज मेरा इंग्लिश का मार्क्स है, ब्रैकेट क्लोज, देख लो आंसर मैच हो रहा है। सिर्फ इंग्लिश? नहीं हो रहे मैच? हाँ वैल्यूज अलग है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, वैल्यूज अलग है, ठीक है। अगर तुम लोग का वैल्यू सेम है तो ही आंसर मैच होगा ऑब्वियसली। समझ में आया क्या हुआ जब क्राइटेरिया रेंज और एवरेज रेंज अलग होते हैं? अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, जहाँ पे क्राइटेरिया रेंज और एवरेज रेंज सेम है, तो क्लियर हो जाएगा। अब मुझे इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज निकालना है जिसका मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 80। सिंपली ये वाला रेंज सिलेक्ट किया, विच इज़ माई क्राइटेरिया रेंज, कॉमा मेरा क्राइटेरिया इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 80। अभी मेरा जो एवरेज रेंज है वो मेरा क्राइटेरिया रेंज ही है, सेम इंग्लिश के मार्क्स की एवरेज चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड आंसर आ जाएगा 85, 90 और 80 का एवरेज दोनों चीज़। जैसे एवरेज इफ है वैसे ही एवरेज इफ्स होते हैं, सेम चीज़ है, इसलिए मैंने अलग से लिखा नहीं है। तुम लोग कर सकते हो प्रैक्टिस एवरेज, तुम लोग को आर्ग्यूमेंट समझा देती हूँ मैं। एवरेज इफ्स में देखो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है इसका क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट्स, ये हम लोग अभी आगे सम इफ्स में देखेंगे। यहाँ पे एक बार देख लो, ये दोनों आ गया ना सबका एवरेज इफ, एक तो जहाँ पे क्राइटेरिया रेंज और एवरेज रेंज सेम था और एक जहाँ पे अलग था, ठीक है। अब एवरेज इफ्स मतलब कि एक से ज़्यादा कंडीशन, यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट इज योर एवरेज रेंज, मतलब यहाँ पे हम लोग एवरेज रेंज एंड में मेंशन कर रहे थे, लास्ट आर्ग्यूमेंट था, यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट इज एवरेज रेंज। तो मैं पहला रेंज क्या है, अगर मुझे इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज चाहिए तो इंग्लिश के मार्क्स का कॉलम हो गया, ये मेरा हो गया एवरेज रेंज का एवरेज रेंज। फिर क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन रेंज, सपोज मार्क्स एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। फिर क्राइटेरिया रेंज टू, सपोज मुझे चाहिए कि जेंडर शुड बी फीमेल, वैसे करके हम लोग डालते जाएंगे आगे। क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन, यहाँ पे देखना, यहाँ पे सब कंपल्सरी है, ये तीनों कंपल्सरी है। क्राइटेरिया रेंज टू से ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा, पर यहाँ पे ये तीनों कंपल्सरी है, क्राइटेरिया रेंज टू से कंपल्सरी नहीं रहेगा पर ये कंपल्सरी है। मतलब यहाँ पे एवरेज रेंज और क्राइटेरिया रेंज अलग अलग बताना पड़ेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, तो अगर तुम लोग दो क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हो तो एक्सेल को कैसे समझ में आएगा कि कौन से रेंज का तुम लोग को एवरेज चाहिए, तो इसीलिए अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी और क्लियर हो जाएगा सम इफ्स करेंगे। ये तुम लोग को समझ में आया ये सारा फंक्शंस? ये सिक्स फंक्शन समझ में आया? कोई भी डाउट है यहाँ पे? नहीं? पक्का? नेक्स्ट करें? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज सम फंक्शन। देख के पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है, सम ऑफ पर्टिकुलर
पर्टिकुलर सेल रेंज जो भी सिलेक्ट करोगे उसका। तो ये मेरा सेल रेंज है, कॉमा अगर मुझे ये भी सिलेक्ट करना है या फिर साथ में सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसके साथ अगर एक और नंबर टाइप करना है, तो क्या होगा, अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सबका सम आ जाएगा। डिफरेंट तरीका है ये सब बताने का। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक कॉलम सिलेक्ट किया, दूसरा कॉलम सिलेक्ट किया, फिर 100। तो क्या होगा, बेसिकली इन सबका सम प्लस 100, 100 भी ऐड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? फिर इसी में अगर दूसरे शीट से भी करना है तो दूसरे शीट से भी रेंज ला सकते हैं। एन नंबर ऑफ हम लोग रेंज डाल सकते हैं या फिर नंबर्स डाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, सम फंक्शन नॉर्मल कर लो सब लोग। नेक्स्ट करेंगे सम इफ, सम इफ फंक्शन करेंगे। वही सेम चीज, सम ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स जिसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे एवरेज इफ था, पहला क्या है, क्राइटेरिया रेंज है, फिर मेरा क्राइटेरिया है, और फिर मेरा सम रेंज है। सम रेंज क्या है, ऑप्शनल है, दे भी सकते हो नहीं भी, नहीं दोगे तो क्या अज्यूम होगा, किसका सम निकालना है, क्राइटेरिया रेंज का। तो सेम चीज़ करते हैं, सम ऑफ इंग्लिश के मार्क्स का जिनका एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, एज इज माई क्राइटेरिया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, एंड सम रेंज इज इंग्लिश के मार्क्स का। क्या हुआ बताओ, नहीं पहले मैंने रेंज दिया है। ठीक है, पहले क्राइटेरिया रेंज है, फिर क्राइटेरिया। क्लियर हुआ? आंसर्स मैच कर लो। इसका, इसका और इसका, इन तीनों का कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट सम इफ्स करते हैं। सम इफ्स वही, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया जहाँ पे है उन सबका सम, जो जो क्राइटेरिया, अगर सारे क्राइटेरियाज मेरे सेटिस्फाई होंगे तो ही मेरा सेल रेंज पूरा सम आएगा उसका। तो सम इफ्स यहाँ पे भी वही, पहला क्या है बताओ, पहला क्या आर्ग्यूमेंट है, सम रेंज। पहला सम रेंज है जो कि कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट है। क्यों कंपल्सरी है, बिकॉज एक से ज़्यादा क्राइटेरियाज डालेंगे, तो एक से ज़्यादा अगर डाल रहे हो तो कौन सी क्राइटेरिया रेंज का सम निकालना है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सम रेंज हम लोग इंग्लिश का ही करते हैं, इंग्लिश के मार्क्स का सम रेंज। तो ये मेरा सम रेंज हो गया। अब मेरा क्राइटेरिया रेंज सपोज चाहिए, तुम लोग मन से डाल लो एग्जाम्पल लेके, या फिर सपोज मुझे चाहिए एज शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 एंड जेंडर शुड बी फीमेल। करो खुद से, जेंडर शुड बी फीमेल एंड एज शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। खुद से ट्राई करो पहले। ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 एंड जेंडर शुड बी फीमेल। ये क्या क्या सबने, आंसर इज 145 मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे डेटा के अकॉर्डिंग। तुम लोग का कुछ डिफरेंट होगा डेटा, मैच कर लो ना मार्क्स में। ये इंग्लिश वाला, ये वाला 90 है तुम लोग का? ठीक है 90 कर देते हैं, सबका 90 है क्या? ठीक है देख लो।
समझ में आया क्या किए? पहला क्या किए हम लोग, सम रेंज, जिसका मुझे सम चाहिए, किसका सम चाहिए मुझे, इंग्लिश के मार्क्स का सम चाहिए, तो वो सिलेक्ट किया मैंने. फिर मेरा क्राइटेरिया वन क्या है, एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो एज वाला रेंज सिलेक्ट किया, उसका क्राइटेरिया डाला. फिर मेरा क्या है, जेंडर शुड बी फीमेल, तो मेरा रेंज जेंडर वाला सिलेक्ट किया और उसका क्राइटेरिया डाला, इट शुड बी फीमेल. कैसे लिखा है मैंने देख लो, यहाँ पे कोटेशंस में एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ लिखोगे तो नहीं आएगा. ट्राई करो क्या होता है स्मॉल एफ से. ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं, बट देन हमने एकदम एग्जैक्टली स्पेसिफाई करना होता है, कैपिटल एफ. ठीक है, आया सबका समझ में? आया ना क्या हो रहा है? सम करेंगे इस पे हम लोग और क्लियर होगा. नेक्स्ट देखो, सम प्रोडक्ट. सम प्रोडक्ट से क्या पता चल रहा है? नाम से. सपोज एक मैंने ये एक मुझे चाहिए मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का, या फिर ऐसे ले लो वेटेड एवरेज जो निकालते हैं ना हम लोग, तो ऊपर में क्या होता है, वेटेड सम होता है और नीचे में वेट्स होते हैं, तो वेटेड एवरेज आता है ना, तो वैसे ही जो न्यूमरेटर होता है वेटेड एवरेज का, वो ये सम प्रोडक्ट फंक्शन से आता है. कैसे? अगर ये मेरा वेट्स है, एज, ठीक है, एंड ये मेरा वैल्यूज़ है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, 89 इंटू 18 प्लस 76 इंटू 19 प्लस 67 इंटू 17, ऐसे करते हैं न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, फिर इन सब का सम डालते हैं. ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग, तो वो जो सम प्रोडक्ट है वो ऐसे आएगा. क्या आएगा? अगर हम लोग एक से ज़्यादा रेंज सिलेक्ट करोगे, ऑब्वियसली दो रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस, वैसे होते जाएगा. दो से ज़्यादा रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले देख लो यहाँ पे, फिर खुद से करना. सम प्रोडक्ट पहला क्या है, एरे वन, तो ये मेरा एरे वन हो गया. अभी देखो एरे टू ऑप्शनल है. बेसिकली क्या हुआ है, सिर्फ इसका सम आ गया है, क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग कोई चीज़ से मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा. ये मेरा हो गया एरे वन, ये मेरा हो गया एरे टू. अगर मुझे मैथ्स और इंग्लिश का मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो ये कोई रिजल्ट लाएगा नहीं, पर हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं कि क्या होता है इसका मतलब. इसमें 89 इंटू 90 प्लस 76 इंटू 65 प्लस 67 इंटू 78, वो हो जाएगा पूरा. अब अगर एक और रेंज डालोगे, एक और रेंज डालोगे तो क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन तीनों का. ठीक है, तो ये जो भी मेरा आंसर आ रहा है ऑब्वियसली बहुत बड़ा आएगा. अब एक दूसरा चीज़ समझो, इधर ध्यान देना, एक बार ध्यान देना यहाँ पे. सपोज इस वाले में आई सिलेक्टेड मोर, मतलब ये वाला रेंज में 6 रोज है ना, यहाँ पे मैंने 7 रोज सिलेक्ट कर लिया, तो एरर आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये लास्ट वाला के साथ तो कोई मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, ब्लैंक है, तो इसीलिए जो सारा सेल रेंज है दैट शुड बी इक्वल. क्लियर हुआ? जैसे सम इफ, एवरेज इफ, ये सब में क्या हो रहा है, क्राइटेरिया रेंज शुड बी इक्वल टू द एवरेज रेंज और फिर जो भी तुम्हारा सम रेंज है, वैसे यहाँ पे भी सम प्रोडक्ट में भी सारा रेंज शुड बी इक्वल. तो अगर एरर आते हैं तो फिर वापस तुम लोग फंक्शन ओपन करके देख सकते हो कि क्या गलती हो रहा है, मे बी ये मिस्टेक हो सकता है एक. ठीक है, कर लो, ट्राई कर लो सब लोग. क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये सारा फंक्शंस देख लिया हमने, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, सम प्रोडक्ट, काउंट इफ, सम इफ. अब दूसरे फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस ये है, पी आई, पाई फंक्शन, बेसिकली पाई का वैल्यू आ जाएगा. एल एन फंक्शन क्या हो गया, लॉग फंक्शन. एल एन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज बेस इज ई, नेचुरल बेस, जो तुम लोग जब कैलकुलेटर में करोगे,
जो हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसमें हम लोग हमेशा एक्चुअलीज में कहीं पे भी थ्योरी में एलएन यूज़ करते हैं हर जगह, ठीक है। कहीं पे भी लॉग नहीं यूज़ करते, एलएन यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर में भी एलएन का एक रहता है बटन, हमेशा एलएन ही यूज़ होता है, ठीक है। मॉड क्या हो गया? मॉड फंक्शन किए थे क्लास 12 में, याद है? हाँ नहीं, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होते हैं, ठीक है, हम लोग बताते हैं। सबसे पहले तो देख लो एल एन फंक्शन, एल एन ऑफ 10, कुछ भी, बहुत ज़्यादा आएगा ये तो। बेसिकली अगर कैलकुलेटर है किसी के पास तो वो देख सकते हैं कि एल एन ऑफ 10 मैच हो रही कि नहीं, मैच तो हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? बेस ई है इसका, ठीक है। एल एन यहाँ पे क्या लिखा है? रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिदम ऑफ अ नंबर। नेचुरल लॉगरिदम का मतलब होता है बेस इज ई, लॉग विद बेस ई, उसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो एक और फंक्शन होता है, एक यहाँ पे ध्यान दो, एक और फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली इसमें क्या होता है, ई टू दी पावर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल, जिसका भी एक्सपोनेंशियल चाहिए, जीरो का करोगे तो क्या आएगा? ई टू दी पावर 0 1, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू दी पावर 1 है, ई टू दी पावर 1 0, ई टू दी पावर 1, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू क्या होता है देख लो, 2.17, 2.718, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक और चीज़, अगर दिस इज बेस ई, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल 1 डालेंगे तो क्या आना चाहिए? 1। वाई? लॉग ऑफ ई, बेस भी ई है तो ई 1, ठीक है। समझ में आया? इतना डीप में नहीं जाना है, ये सब चीज़ सी है सुन में। तुम लोग को बस फंक्शंस पता होना चाहिए, लॉग फंक्शन एल एन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स पी। लॉग फंक्शन इतना यूज़ करोगे नहीं, एक्सपोनेंशियल बहुत यूज़ करोगे, वाई? बिकॉज जब हम लोग एनुइटी सीखेंगे CT 1 में, ठीक है। तो ये समझ में आया, एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी, लॉग कभी कन्फ्यूज मत होना, एल ओ जी नहीं, एल एन, ठीक है। मॉड फंक्शन, मॉड ऑफ नंबर 10, सपोज मेरा डिवाइजर है 3, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? y1, 10/3, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो ये मॉड फंक्शन से वो रिमाइंडर वाला चीज़ आता है, 1। समझ में आया? कुछ याद है? क्लास 12 में तुम लोग ने किया था ये, CBSE में तो था, बाकी नहीं पता मुझे। CBSE में हाँ मॉड फंक्शन, नहीं मॉड फंक्शन था 11 या 12 में, पर मॉड फंक्शन था, मे बी 11 में होगा। अरे वो मॉड अलग होता है, ये मॉड फंक्शन यही होता है, तुम लोग ने किया होगा आई गेस कहीं, नहीं मैथ्स में भी था, डोमेन रेंज वाले में, उसमें था ये चीज़। क्यों? CBSE में तो सब कंपलसरी होते हैं, उसमें तो कुछ ऑप्शन, हाँ मेरे को, मुझे तो पसंद था तुम्हें। तो मॉड फंक्शन क्या होता है बेसिकली? एक दो जगह है तुम लोग के CM1 में ये, तो ये मॉड फंक्शन में क्या होता है कि नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया देख लो, हमने 10, माई नंबर वॉज 10, ठीक है, नंबर वॉज 10, डिविडेंड बोलते हैं इसको, याद है? क्वोशेंट क्या होता है? यहाँ पे क्वोशेंट क्या आएगा? 3 आएगा क्वोशेंट, ठीक है। तो मेरा डिविडेंड या मेरा नंबर इज 10, मेरा डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज 3, तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसीलिए कभी कभी अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा लेना चाहिए, वंस इन अ वाइल रिविजन हो जाते हैं, सीरियसली रिविजन हो जाते हैं। मतलब तुम लोग क्लास 7 या 8 में अगर कोई है तुम्हारा कजिन या कोई, वो आएगा ना, उसका बस मैथ्स का बुक दिखना, तुम लोग को लगेगा अरे ये सब तो आता था, क्या हुआ ये सब सडनली, स्पेशली ज्योमेट्री में,
ये सब, अरे मुझे पता है ये मैंने किया है, तुम लोग बोलेंगे करो तो सही सॉल्व किया है तो, ऐसे ही होता है। तो पाई फंक्शन ये समझ आया, मॉड नंबर डिवाइजर एल एन लॉग विद बेस ई एक्सपोनेंशियल नॉर्मल। पाई फंक्शन देखो, पी आई ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। देख लो कोई आर्ग्यूमेंट आ रहा है क्या लिखा हुआ? पाई मतलब वो जो पाई यूज करते हो, पाई तो याद होगा ठीक है, 3.14 पाई का वैल्यू। किसी को याद है पूरा कहाँ तक याद है? मेरे एक फ्रेंड को 30 डेसिमल प्लेसेस तक याद है शायद। हाँ कॉम्पिटिशन्स में पूछते हैं, मैथ्स ओलम्पियाड ये सब में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पाई के वैल्यू में ब्रैकेट ओपन क्लोज, कोई आर्ग्यूमेंट अंडर ऑब्वियसली डालना नहीं है ठीक है। तो पाई हो गया। एब्सोल्यूट ए बी एस देख के क्या पता चल रहा है? एब्सोल्यूट फंक्शन मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव ए बी एस एब्सोल्यूट। सपोज -5, 6, 56.6 डालोगे, क्या आना चाहिए आउटपुट? 56.6 आएगा, 56.6। एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव साइन हट जाएगा, और अगर नंबर ही पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वही रिटर्न हो जाएगा। देख लो -50, यहाँ पे ऑब्वियसली एक ही आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो, एक से ज़्यादा डाल नहीं सकते, तो एक ही आर्ग्यूमेंट का ऑप्शन है नंबर। टेक्स्ट डालोगे तो एरर आएगा। नहीं हो गई, नहीं एरर आएगा, बिकॉज ऑप्शन क्या है देखो, एक नंबर, यू कैन सेलेक्ट द सेल बट एक से ज़्यादा सेल नहीं सिलेक्ट होगा, एरर आएगा फिर ठीक है। समझ आया ये? एब्सोल्यूट एकदम बेसिक। इंटीजर फंक्शन आई एन टी, इंटीजर फंक्शन में क्या होता है बोलो? राउंड्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो 78.8 है तो क्या हो जाएगा? 78 नहीं, क्योंकि क्वेश्चन, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इन लोग क्या कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, 79 नहीं होगा। राउंड्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, इसीलिए 78.8। 78 ये जो इंटीजर फंक्शन है ना, ये अभी लग रहा होगा बहुत बेसिक है, पर इसको भी काफ़ी यूज़ करेंगे, इफ़ फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे, एंड फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे, तो ये सारा फंक्शन जब हम लोग करेंगे तो उस समय कन्फ्यूज़ मत होना। इंटीजर फंक्शन क्या करते हैं? राउंड्स डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर ठीक है, ये बहुत काम आएगा। एब्सोल्यूट फिर भी इतना काम नहीं आएगा, राउंड इंटीजर राउंड ये सब बहुत काम आएंगे। तो मैंने क्या किया, 78.8 लिखा था, वो जाएगा 78 ठीक है। इंटीजर फंक्शन राउंड्स डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट देखो राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट है, पहला आर्ग्यूमेंट इज योर नंबर, सपोज माई नंबर इज 78.8675 क्लियर। नेक्स्ट है मेरा नंबर ऑफ डिजिट्स, ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ये क्या है, आफ्टर डेसिमल मुझे कितना नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो मुझे अगर एक चाहिए तो 1 डालेंगे, दो चाहिए तो दो, जितना मुझे पॉइंट के बाद नंबर्स चाहिए वो मुझे स्पेसिफाई करना है। अगर 1 डालेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 78.9। वाई कैसे होता है ये एक बार देख लो, यहाँ पे राउंडिंग कैसे करते हैं। 0.86 है ना, 0.867 है, तो अगर मुझे सिर्फ एक डिजिट तक चाहिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के बाद क्या है, 6 है वो देखेंगे। 6 इज़ ग्रेटर दैन 5 तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अगर ये 5 होता तो क्या होता 6 की जगह पे, तो भी 9 होता। तो मतलब 5 या उससे बड़ा अगर होता है तो क्या हो जाता है, वो राउंड अप हो जाता है, जैसे कि 8 है तो वो 9 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो मेरा 78.9 आ रहा है, देख लो आउटपुट 78.9 आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, 2 कर दिया तो क्या आएगा, 78.87। वाई 7, 6 के बाद वाला नंबर देखेंगे, 7 है तो वो 7 हो जाएगा 6। ये राउंडिंग जो है
ये तुम लोगों को क्यों इतना अच्छे से मैं बता रही हूँ, बिकॉज CM1 इज़ फुल राउंडिंग. तुम लोग कैलकुलेटर में इतना बड़ा बड़ा नंबर्स आते हैं, लिखो. CM1 में क्या है, जितना ज़्यादा लिख पाओ, जितना एक्यूरेसी रखो उतना बेटर है. तो हम लोग एग्जाम में 6 डेसिमल ले के चलते हैं, 5 to 6, ठीक है? क्योंकि अगर तुम लोग टेबल बुक देखो देखे हो कि तुम लोग, तो 6 डेसिमल प्लेसेस तक रहते हैं सारा वैल्यूज. तो अगर तुम लोग 5 6 लेके चल रहे हो, फाइनल आंसर कैन बी इन 2 3 डेसिमल प्लेसेस, फाइनल, एकदम फाइनल. सपोज बोला कैलकुलेट द प्रीमियम, तो जो फाइनल आंसर है, मैं प्रीमियम सपोज 500.567 बहुत ऐसा बड़ा आ रहा है, तो 3 डेसिमल तक लिख के छोड़ सकते हो. पर बीच का जो कैलकुलेशन है, उसमें जो भी चाहिए उसमें ज़्यादा राउंडिंग अगर ले लिए, तो फाइनल आंसर में बहुत गैप आ जाएगा. तो वो सारे बीच के कैलकुलेशंस में 5 6 डेसिमल लेना ही पड़ेगा, ठीक है? ये इसीलिए CM1 थोड़ा लेंदी पेपर होता है, बिकॉज उसमें टाइम लग जाता है कैलकुलेशन और लिखने में. ऐसे इजी है. राउंड हो गया, राउंड अप. सोच के देख के बताओ क्या हो सकता है. राउंड्स अ नंबर अप, अवे फ्रॉम जीरो. अवे फ्रॉम जीरो मतलब ऊपर की तरफ, जैसे राउंड डाउन हम लोग कर रहे थे अभी इंटीजर में, वैसे राउंड अप. तो बेसिकली 78, यहाँ पे भी क्या है देख लो. पहले मेरा नंबर है, मेरा नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितना चाहिए मुझे डेसिमल प्लेसेस के बाद. एग्जाम्पल लो, यहाँ पे सपोज इसको कर देते हैं हम लोग 3. 78.7365 कर दिया मैंने. नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे चाहिए 1. क्या आना चाहिए आउटपुट? 70. अगर नॉर्मली राउंड फंक्शन यूज करते तो 78.7 आता, पर राउंड अप है तो 78.8 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1 डेसिमल चाहिए ना, तो जो 1 डेसिमल पे है, फर्स्ट डेसिमल पे है 7, वो ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा. राउंड अप, राउंड्स अप, अवे फ्रॉम जीरो, ठीक है? 2 करके देखो क्या आता है. 2 करके देखेंगे तो क्या आएगा? 7 4. 7 4, हाँ वैसे भी 7 4 आता. क्लियर हुआ राउंड अप सबको? राउंड अप की याद है इसको? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का उल्टा हो जाएगा लोवेस्ट इंटीजर, ठीक है? तो उसके बाद राउंड डाउन, राउंड डाउन 78.6745 कॉमा 1. स्नेहा बताओ क्या आएगा? 78.6, क्योंकि एक बार ध्यान दें यहाँ पे. इसमें क्या है, जैसे राउंड अप इज अप, अवे फ्रॉम जीरो है ना, तो ये टुवर्ड्स जीरो है. तो मुझे एक बार बताओ, 6 का 5 थोड़ी होगा, कभी कम थोड़ी हो जाएगा. 6 के बाद क्या है नंबर? 7 है, तो होना क्या चाहिए था? 7 होना चाहिए था, तो 7 नहीं होके 6 रहेगा. समझ में आया? कन्फ्यूज मत हो ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, CM1 में इतना यूज़ नहीं है. आई डोंट थिंक कहीं पे भी राउंड डाउन यूज़ किया है हमने, बट उसका कहीं पे मे बी एक जगह में भी कहीं यूज़ किया, मुझे याद नहीं कि कहीं भी किया है. राउंड फंक्शन करते हैं यूज़, सिंपल राउंडिंग करते हैं. राउंड अप, राउंड डाउन, बस हम लोग को समझाने के लिए कि ऐसे फंक्शन होते हैं एक्सेल में. राउंड अप समझ में आया सबको क्लियरली क्या हो रहा था? 78.673 है, राउंड अप समझो वापस. 78.73 है और डेसिमल प्लेसेस 1 कर रहे हैं, तो ये क्या होना, लॉजिकली क्या होना चाहिए? 78.7. जस्ट बिकॉज राउंड अप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा 7 के बदले? 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया. क्लियर हुआ राउंड अप? राउंड डाउन समझो, 78.67 है, 1 डेसिमल चाहिए, लॉजिकली क्या होना चाहिए? 78.7 होना चाहिए, पर राउंड डाउन यूज़ कर रहे हैं तो 7 के बदले 6. मतलब लॉजिकली जो होना चाहिए उसका उल्टा, उससे ज़्यादा या उससे कम. राउंड अप है तो ज़्यादा, राउंड डाउन है तो कम. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये चीज़? ये सारे फंक्शंस ln log base e, mod pi, मॉड फंक्शन भी यूज़ आते हैं हम लोग के काफ़ी,
ठीक है, हम लोग जब लोन शेड्यूल ऐसा बनाते हैं तो क्या होता है, जो रिमाइंडर है वो आ जाते हैं, ठीक है, पाई एब्सोल्यूट माइनस साइन हट जाएगा, इंटीजर राउंड्स डाउन बेसिकली, ठीक है, सारी डेसिमल प्लेसेस हट जाएंगे, इंटीजर में चेंज हो जाएगा मेरा नंबर, इंटीजर इज़ वॉट, इंटीजर फिगर्स विदाउट डेसिमल होते हैं ना, तो वो हट जाएगा, राउंड जैसे नॉर्मली राउंड करते हैं, राउंड अप ऊपर, राउंड डाउन नीचे एंड एक्सपोनेंशियल, क्लियर? नेक्स्ट देखो, डेट फंक्शंस है कुछ कुछ जो हम लोग को सी एम एन में लगेगा वो चाहिए, हम लोग वो करते हैं। पहला इज टुडे फंक्शन, टुडे मतलब आज का डेट मिल जाएगा टुडे फंक्शन से, आज का मुझे डेट मिल जाएगा टुडे फंक्शन से, बेसिकली टुडे लिखा मैंने, देखो रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड एज अ डेट, मतलब क्या, यहाँ पे इस सेल में जो भी नंबर आएगा अभी वो डेट के फॉर्म में आएगा, तो ये जो सेल है ये मेरा डेट के फॉर्मेट में हो जाएगा, एंड ज़रूरी नहीं है कि मेरा जिस फॉर्म में आए, आज का डेट क्या है 13 है ना, तो मेरा इस फॉर्मेट में अगर आएगा 13/10/2019, तुम लोग के मे बी 13 अक्टूबर 2019, डिपेंडिंग कि तुम लोग कैसे फॉर्मेटेड किया हुआ है, कैसे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, तो वो चेंज भी कर सकते हैं, सीखेंगे कैसे। टुडे लिखा ब्रैकेट ओपन, कोई आर्ग्यूमेंट लिखना है ऑब्वियसली नहीं, ब्रैकेट क्लोज एंटर, मेरे इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, तुम लोग के भी इसी में आ रहे हैं क्या, डिफ़ॉल्ट यही फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ध्यान दो सब यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला चीज़ मैंने क्या सिखाया था, होम टैब में मेरा क्या है, सारा फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, ठीक है, तो ये मेरा जो जनरल नंबर परसेंटेज सारा चीज़ यहाँ रहता है, ठीक है, तो ये जो मेरा है डेट का, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लो फिर करना, सब देख लो ध्यान से, ये क्या है मेरा डेट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं, सपोज लॉन्ग डेट कैसे आ जाएगा, 13 अक्टूबर लिखा आ जाएगा, शॉर्ट डेट जो भी है करेंटली है, ठीक है, लॉन्ग डेट, ठीक है, और भी इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखना, कैसे कर सकते हैं देखना, एक बार देख लो सब लोग, राइट क्लिक किया सेल पे, राइट क्लिक किया फिर फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट सेल्स किया, ये समझ लो बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह फॉर्मेटिंग कभी कभी यूज़ आएगा ही। अभी देखना डेट में है, यहाँ पे अपने आप डेट में रहेगा, तो इससे अब हम यहाँ पे देखना टाइप में आई हैव डिफरेंट ऑप्शंस, आई हैव डिफरेंट ऑप्शंस, देखो या तो ये ऑप्शन है संडे 13 अक्टूबर 2019, तो इनमें से जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए आई विल सिलेक्ट दैट, करो तो यहाँ तक आ रहे कि नहीं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स डेट एंड यू कैन सिलेक्ट योर ओन टाइप, आ रहा है सबका ये वाला चीज, कोई भी एक टाइप सिलेक्ट करके, अब यहाँ से भी यू कैन चेंज द अलाइनमेंट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, फिल, ये सब चीज़ हमें नहीं करना है, ठीक है, आया सबका डेट, अपने जिस फॉर्म में चाहिए रख लो। उसके बाद देखो डे, डे फंक्शन, डे फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ अ नंबर फ्रॉम 1 to 31, तो अगर मैं डे में यहाँ पे एक सीरियल नंबर, मैंने क्या बोला था डेट फंक्शन कैसे स्टोर, डेट्स कैसे स्टोर होते हैं एक्सेल में, एज अ नंबर स्टोर होते हैं, कोई भी एक नंबर रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर डेट, फर्स्ट नंबर वॉज 1 जनवरी 1900, 1900 फर्स्ट नंबर वॉज 1 जनवरी 1900, तो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हो, कोई भी एक सीरियल नंबर, उसका जो वो जो सीरियल नंबर जो नंबर है जो डेट रिप्रेजेंट करता है उस डेट का डे वो आउटपुट आ जाएगा, क्लियर हुआ, या फिर एक डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या डे है 13th, क्या लिखा हुआ था, इट रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 31,
सो इट इज़ अ डे इन अ मंथ नॉट इन अ वीक. थर्टींथ आया, डे आएगा, नंबर आएगा, थर्टींथ, फोर्टींथ, उसमें लिखा हुआ था ना, इट रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 31. ठीक है, डे फंक्शन. अब सिमिलरली मंथ फंक्शन हो गया, मंथ रिटर्न करेगा, मंथ रिटर्न करेगा, तो हम लोग इसी डेट का मंथ निकालते हैं. ये सारा फंक्शन काम आएगा, डे, मंथ, मंथ तो बहुत ही काम आते हैं, योर ये सब सब इफ फंक्शन के अंदर काम आते हैं. कि इफ मंथ, सपोज मुझे पेमेंट्स मिल रहे हैं ईयर में ओनली इन सेप्टेम्बर, तो हम लोग क्या लेंगे, इफ मंथ इज इक्वल टू 9, तब मेरा जो आउटपुट होगा वो, वैसे करके, तब ये चीज़ बहुत यूज़ होते हैं. ठीक है, तो 10 आ रहा है आउटपुट, ईयर सिमिलरली 2019 आएगा, 2019 कर लो, डे मंथ ईयर. यहाँ तक हो गया सबका? यहाँ तक एकदम क्लियर है? एक और फंक्शन पीएमटी फंक्शन लेते हैं. ये जो फंक्शन है ये हम लोग जो एक्चुअलीज में कर रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट आएगा इसका आंसर. तो ये बस अभी हम लोग सीख लेते हैं, एक होता है पीएमटी फंक्शन, तुम लोग कॉलेज में सीखोगे ये, पर या अगर जिसने बीकॉम ले उन लोग सीखेंगे ये वाला पीएमटी फंक्शन, बट हम लोग एक्चुअलीज में पीएमटी फंक्शन यूज़ नहीं करते बिकॉज इसका जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट नहीं आता हमारे कैलकुलेशन से, पता होना चाहिए तुम लोग को, इसीलिए बस सिखा रहे हैं, पर यूज़ कहीं नहीं आएगा सीएमएन में, ऐसे तुम लोग को पता होना चाहिए अकाउंट्स में यूज़ आता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा क्या दिया हुआ देख लो, मेरा इंटरेस्ट रेट इज़ 12% पर एनम. अभी तक अगर सीएमएन स्टार्ट नहीं की हो तो भी समझने का ट्राई करो, 12% पर एनम का क्या मतलब है, ईयरली मेरा 12% का इंटरेस्ट लगेगा. क्लियर, क्लियर हुआ ये चीज़? मतलब साल के स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ बोरो कर रहे हो तो एंड में कितना पे करना पड़ेगा, 112, 12 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ठीक है, ईयर इज़ मेरा 12 ईयर्स का लोन है. ठीक है, 12 ईयर्स का लोन है और कितना उसका प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी कितने का लोन ले रहे हैं, 20,000 का, टाइम ज़ीरो पे आज 20,000 का लोन ले रहे हैं, आफ्टर 12 ईयर्स उसे हमें पे करना है, एज एन आफ्टर 12, फॉर 12 ईयर्स का लोन है और ईच ईयर का रेट इज़ 12%, तो मंथली कितना रीपेमेंट्स करेंगे, कितने अमाउंट का, वो मुझे निकालना है. समझ में आया? अभी आई हैव बोरोड 20,000 फ्रॉम द बैंक. ठीक है, ऑन 12% पर एनम बेसिस फॉर 12 ईयर्स. ठीक है, तो ईच मंथ आई विल हैव टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, उस मनी में इंटरेस्ट, कैपिटल, इतना डीप में मत जाओ, पर ईएमआई जो होता है ना आजकल, फ़ोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, कुछ भी होता है, हम लोग ईएमआई पे लेते हैं, बोलते हैं ना ईएमआई पे लो, पॉइंट्स ऐड होगा, ये सब इसे बोलते हैं. तो ईएमआई पे जो लेते हैं हम लोग, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो देख रहे हैं. योर अमाउंट इज़ 20,000, 20,000 का एक फ़ोन लिया. ठीक है, 12 ईयर्स थोड़ा हाइपोथेटिकल है, 5 ईयर्स कर, इनफैक्ट 1 ईयर कर देते हैं, 1 ईयर भी नहीं होता आजकल 6 मंथ्स का. तो क्या हुआ, ये 20,000 का मैंने लोन लिया. ठीक है, 1 ईयर के लिए 12% पे, तो मेरे को, मुझे कितना ईच मंथ पे करना है वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीएमटी फंक्शन से. एक बार पहले देख लो फिर करना, खुद से समझ के करना. पीएमटी, दिस कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन अ कॉन्स्टेंट. ये जो ईएमआई होगा ये ईच मंथ इक्वल होगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं ना, चेंज नहीं होगा. तो ये अगर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है तभी पीएमटी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, सब करोगे तुम लोग सीएमएन में, तो वो सब हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते. एंड अ कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट, कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट एक ही इंटरेस्ट रेट है 12% का. ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट इज़ द रेट. रेट क्या है मेरा, अब ये जो मेरा रेट है दिस इज़ पर एनम, दिस इज़ वॉट, पर एनम, पर पेमेंट कैसे कर रहे हैं, मंथली. तो
तो इसे मंथली में चेंज करने बाई 12 करेंगे, ठीक है। ये जो बाई 12 हम कर रहे हैं ना, ये ही अगर तुम लोग CM1 पढ़ चुके हो, अगर स्टार्टिंग का CT1 का पोर्शंस, तो तुम लोग सोचोगे आई से मेरे को आई 12/12 तो ऐसे नहीं निकलता, इसीलिए ये कैलकुलेशन वी डोंट यूज़, इसीलिए वी डोंट यूज़, बिकॉज दैट इज आई, आई इज 12%, यहाँ पे वी वॉन्ट आई 12/12, आई 12/12 ऐसे थोड़ी आएगा, आई से बाई 12 करके थोड़ी आता है, इसीलिए इन एग्जैक्ट है, इसीलिए ओनली अकाउंटेंट्स फॉलो दिस फॉर्मूला, वाई उन्हें उन्हें इतना कैलकुलेशन नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। इसीलिए BCom में हम लोग ये वाला कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। हंसो मत, एंड में उन लोग ही आके टैक्स कम करके जाते हैं हम लोग का, ठीक है। तो रेट हो गया, अब एन पर इज नंबर ऑफ पीरियड्स, जब जब पेमेंट होगा, कितना टाइम, कितना पेमेंट्स होगा टोटल, 12 पेमेंट होगा, तो क्या करेंगे, 1 × 12, 1 × 12, 12 पेमेंट्स है। प्रेजेंट वैल्यू, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, अभी का क्या वैल्यू है, अभी कितना लोन लिया है आपने, कितना लोन लिया है, 20,000 का, तो 20,000 वाला सेल सिलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज, देख लो। आगे का FV इज फ्यूचर वैल्यू, वो सब नहीं, वो सब कंपल्सरी नहीं है, वो सब यहाँ पे नहीं चाहिए, माइनस ही आएगा ना, बिकॉज ये आउटफ्लो है, एंड रेड में भी आ रहा होगा शायद, तो समझो पहले तो क्या हो रहा है। जो रेट है ये मेरा इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मैंने यहाँ पे EMI लिख दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि PMT इज ओनली यूज फॉर कैलकुलेटिंग EMI। तुम लोग क्वार्टरली पेमेंट्स कर रहे हो, ईयरली पेमेंट्स कर लो, हाफ ईयरली कर लो, कुछ भी कर लो, सब PMT से वी कैन यूज, पर क्या बेसिस होना चाहिए, जो रेट है वो ईयरली होना चाहिए या मंथली होना चाहिए, अगर मंथली पेमेंट है, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली पेमेंट होना चाहिए, एंड सो ऑन। जो नंबर ऑफ पीरियड्स है, कितना टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हो रहे हैं वो होना चाहिए, यहाँ पे 12 पेमेंट्स है तो 1 × 12 किया मैंने, ठीक है, 12 लिख भी सकते थे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे सेल है तो × 12 किया, ठीक है। रेट इज 12%, 12/12 इसीलिए किया, रेट बाई 12 इसीलिए किया, बिकॉज मंथली चाहिए, एंड PV इज गिवन, माइनस 1776.98 ईच मंथ मुझे पे करना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव में आ रहा है, दिस इज आउटफ्लो फॉर अस, ठीक है, दिस इज एन आउटफ्लो, इसीलिए रेड और नेगेटिव में आ रहा है। तुम लोग का डॉलर आ रहा होगा, मे बी रुपया आ रहा है, ठीक है, चेंज कर लिए क्या, ठीक है। एंड ये देखना, यहाँ पे अपने आप करेंसी में चेंज हो जाते हैं, जो फॉर्मेट होते हैं अपने आप करेंसी में चेंज हो जाते हैं। अगर क्वार्टरली होता तो क्या होता, रेट बाय क्वार्टरली मतलब 4 बार, 4 क्वार्टर्स होते हैं ना 3 मंथ्स के, तो 12 रेट बाय 4, कितना टाइम्स पेमेंट होता, 4 बार, तो 1 × 4, एंड PV वही रहता। तो एकदम लॉजिकली आप लोग ने पढ़ा नहीं है CM1, ये बताओ कि इफ आई डू क्वार्टर पेमेंट्स तो मेरा EMI इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इफ आई डू क्वार्टर पेमेंट्स तो क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, डिक्रीज क्यों होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ना, 4 बार ही पेमेंट कर रहे हो तो इंक्रीज होगा, जनरल एकदम नॉर्मल था ये, तो एक 12 बार पेमेंट कर रहे हैं सेम अमाउंट का और एक 4 बार पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अमाउंट इंक्रीज होगा, ये हो गया। अब अगर इंटरेस्ट रेट 12 से 10 हो जाए तो अमाउंट EMI का क्या होगा, सब बोल रहे डिक्रीज, सब बोल रहे डिक्रीज, क्यों, इंटरेस्ट कम हो गया तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, ठीक है। ईयर 1 ईयर है, अभी आई मेक इट 1.5 ईयर्स, तो क्या होगा, EMI डिक्रीज, ज़्यादा नंबर ऑफ पेमेंट्स है, ज़्यादा स्पैन ऑफ टाइम है तो डिक्रीज होगा, पर ये याद रखना टाइम ज़्यादा है तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा टाइम के लिए लगेगा, तो इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल है, बट जस्ट बिकॉज 1.5 है, ज़्यादा कर दे रहे हैं टाइम, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं सिंपली इसको 1.5, अभी याद रखना क्या है ये फिगर, क्या हुआ, फिगर कम हो गया, कम होगा ऑब्वियसली, तो ये सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। ये फंक्शन यूज़ नहीं करना कभी प्लीज़, ऐसा नहीं है
कॉपी लेके बैठ गए और ये लेके बैठ गए पीएमटी से मैच करो, मत करना, मैच नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे दे आर डूइंग आई बाई 12, वी यूज़ आई 12 बाई 12, ठीक है? कभी मत करना मैच। सीख लिया ये वाला चीज़ कॉन्सेप्ट? 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।